सोनू मोनू राधा राजू सब आओ मेरे पास, मैं लाई हूँ सबके लिए कहानी खास। कहानी का नाम है नीला छाता। कहानी है एक छोटी प्यारी 10 साल की बच्ची बिन्या की, जो उत्तराखंड के गढ़वाल के एक छोटे से गांव में अपनी माँ और भाई बिज्जू के साथ रहती थी। गले में चीते के नाखूनों की माला पहनती थी। बिन्या के पास 2 गाय भी थी, नीलू और गोरी। एक दिन बिन्या अपनी दोनों गायों को चराने के लिए गई, लेकिन कुछ ही देर में उसकी दोनों गाय उसकी आंखों से ओझल हो गई। नीलू गोरी ढूंढते हुए वह वहां पहुंची जहां पे कुछ बाहरी लोग घूम रहे थे। उन्हीं में से एक महिला के हाथ में एक नीला छाता था, मखमल के कपड़े का। बिन्या को वह छाता बड़ा पसंद आया। उस महिला ने देखा कि बिन्या उसके छाते में टकटकी कर रही है। वह महिला बिन्या के पास जाकर बोली, तुम मुझे अपने गले की माला दो तो मेरा यह छाता रख सकती हो। बिन्या ने धीरे से हाँ में सर लाया और झट से गले की माला उतार कर वह छाता ले लिया। वह छाता पूरे गांव में सबसे खूबसूरत छाता था। बिन्या उस छाते को कभी बंद नहीं करती थी। उसी गांव में एक दुकानदार था, राम भरोसा। उसे भी वह छाता बड़ा पसंद था। उसने बिन्या से कहा, तुम मुझे ये छाता 12 रुपए में दे दो। बिन्या ने बोला, नहीं मैं तुम्हें ये छाता नहीं दूंगी, इसकी कीमत 15 रुपए है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे टॉफियां लेने आई हूँ, सौदा करने नहीं। यह कहकर बिन्या वहां से चली गई। लेकिन राम भरोसे की दुकान पर काम करने वाला लड़का राजा राम ने कहा, आप मुझे 3 रुपए दे तो मैं आपको वह छाता लाकर दे दूंगा। क्या क्या तुम चोरी करोगे? सीधी उंगली से तो भी निकला नहीं, अब यही एक उपाय है। राजा राम तबे पाँव बिन्या के घर पहुंचा छाता चुराने, लेकिन बिज्जू ने उसको पकड़ लिया। राजा राम ने तुरंत सारा इल्जाम राम भरोसे पर लगा दिया और बोला, मालिक ने मुझे पैसे दिए थे काम करने को, माफ कर दो। चोरी की बात फैलने पर राम भरोसे की दुकान पर कोई नहीं आता था। बेचारा राम भरोसा। बिन्या भी कहीं ना कहीं सोचती थी कि उसकी हालत की जिम्मेदार वह खुद ही है। उसके मन में एक विचार आया, वह झट से राम भरोसे की दुकान पर गई। इतने दिनों बाद अपनी दुकान पर किसी ग्राहक को देखकर वह बड़ा खुश हुआ। उसने तुरंत डब्बे में से टॉफी निकाली, बिन्या को दी। बिन्या वहां से चली गई। लेकिन राम भरोसा ने देखा कि बिन्या अपना छाता छोड़ के गई है। वह तुरंत छाता लेकर बिन्या की ओर दौड़ा। अरे 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 बिन्या, तुम अपना छाता छोड़ के दी। नहीं, मैं अपना छाता छोड़ी नहीं हूँ, यह मेरी तरफ से आपके लिए उपहार है, रख लीजिए। राम भरोसा बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि उसे भी बिन्या को उपहार में कुछ देना चाहिए, तो उसने बिन्या को भालू के नाखूनों की माला दी। और इस तरह बिन्या के उदार स्वभाव ने राम भरोसे के ईर्ष्यालु स्वभाव को बदल दिया और उसने सभी के दिलों में अपने लिए स्थान बनाया।